हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता की ना आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ हिस्ट्री में। सो आज का जो प्लान है वो यूँ है कि हमारे घर कुछ और भी मेहमान आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि जो थोड़े बहुत और भी काम है, जैसे कि दीदी को मेरे ब्लाउज स्टिच कराना है तो वो काम करवा देते हैं। उसके बाद दीदी हम लोगों के लिए जो साड़ियाँ लाई है हमने सोचा कि इसी समय दे देते हैं, शादी के बाद भी मिलेगा तो कोई नहीं, आराम से लेके जा सकते हैं। सो वो करने जा रहे हैं। दीदी ने कौन सी साड़ी दी है वो तो मैं बाद में बता दिखाऊँगी, लेकिन उसकी ब्लाउज मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी वहाँ टेलर के पास पहुँच कर। सो काजल भी जा रही है हमारे साथ, क्योंकि वो भी बोली कि दीदी की साड़ी जल्दी से स्टिच करा दो क्योंकि बहुत प्यारी है और मेरे को वो पहनना है शादी के बाद। सो और एक दो काम है, और ये छोटा बच्चा भी जा रहा है, मिलोगे तो ये बोलेगा नहीं, तो मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं देता है, वो मुझसे थोड़ा खफा खफा सा रहता है। तो चलिए चलते हैं मार्केट। तो हम लोग निकल चुके हैं और मेन रोड पे जा रहे हैं, क्योंकि गली में आता नहीं है टोटो, तो गली में टोटो नहीं आती है इसलिए हम लोग को मेन सड़क पे जाना होता है। तो अभी मेन सड़क से आई थी फिर अच्छा अच्छा एक दो बाई द लक आ गया तो आ गया, वरना वैसे आता नहीं है गली में। तो चलते हैं ई रिक्शा को लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको मार्केट में। सो ई रिक्शा हम लोग को मिल गया है, कुछ और भी बोल सकते हो, बोलते रहते हो। तो ये है रास्ता चौक जाने का, चलिए आप लोगों को आज हम चौक घुमा के लेके आते हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चौक, हम लोग अभी चौक मार्केट में हैं, और अभी अभी हम लोगों ने खरीदा है वॉच अपने लिए, दीदी के लिए, काजल के लिए। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, दीदी को ख़रीदना है काजल के लिए पायल, तो पायल की शॉप पे जाएंगे और पायल पसंद करेंगे। दीदी यही चलो चलते हैं। तो यहाँ पे पायल के कलेक्शंस तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, और हम लोग देखते हैं कौन सी पायल पसंद आती है दीदी को। काजल ये वाला लाओ, जो हम लोग को पसंद है उसका दिखा। इसीलिए मैं और दीदी ने ये वाला सेलेक्ट किया है काजल के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। उसके वो इसे पतला सा ही पहनना पसंद करती है, और सबसे अच्छी बात ना इस पायल पे लिखा हुआ है सिस्टर, उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए इसमें कछुआ है, कहते हैं इसको रखना बहुत शुभ होता है। अभी ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इधर शॉप। तो अब हम लोग आ गए कॉस्मेटिक की शॉप, ये साड़ी में लगाने वाला है, और ये बीबी क्रीम और क्रीम। तो हो गई कॉस्मेटिक की दुकान से निकलने के बाद लग गया है बाबू को भूख, और बाबू खा रहा है गोलगप्पे। बाबू से ज़्यादा बाबू की मम्मी को फैजाबाद का ये थोक मार्केट है, और यहाँ से हम लोगों ने सामान ले लिया जो जो भी हमें चाहिए था, और काफ़ी अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप लोग अभी नहीं आए हो, जो फैज़ाबाद के लोग हैं वो इधर आइएगा, आप लोगों को बहुत सही रेंज में सामान मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, ये अंदर है चौक के, और यहाँ पे केवल जेंट्स के कपड़े मिलते हैं, और ये काफ़ी पुरानी शॉप है जहाँ से हम लोग कपड़े लेके जाते हैं। तो दीदी को लेना है जीजू के लिए कुछ सामान, तो वो ले रही है, और हम दोनों हमेशा की तरह ऐसे फालतू के खड़े हैं। तो ये बच्चा इधर अलग ही डिस्टर्ब कर रहा है, घर चलो घर चलो। तो वेट करते हैं, क्योंकि आज तो चाहे जितना टाइम लग जाए आज हमें काम करके ही जाना है वापस। सो गाइस ये जहाँ हम लोग जेंट्स का जो कपड़े मिलते हैं, ट्राउज़र ब्लेज़र वगैरह, तो ये कनक मार्केट में भैया की शॉप है। भैया कौन सी शॉप है? सुपर पॉइंट। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्जिन भी करते हैं भैया, सबका तो नहीं पता, मेरे कपड़ों में काफ़ी अच्छा मार्जिन करते हैं। तो एक बार अगर आप लोग अगर यहाँ पे रहते हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा। डन हो चुका है, अब बाकी अब जो बचा है वो है बिछिया को भी लेना है, क्योंकि पायल नहीं अकेले दिया जाता है। ये सब तो मेरे टाइप का है, मैं ये सब प्लेन ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, मेरे को बहुत कम्फर्टेबल होता है इसको पहनना। दिखाओ ये देखो, बहुत सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा दूर से। हाँ ग्रीन कलर, ये भी सुंदर लग रहा है। बॉम्बे जैसा अच्छा सिटी नहीं है कोई, इतना साफ सफाई
टीवी पे मत जाओ, पिक्चरों वाला वहाँ कोई काम नहीं। मैं भी गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। फैमिली रहती है सब बहुत अच्छे। ए लड़के, ज्वेलरी की शॉप मैंने आपको दिखाई थी और अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे टेलर भैया की दुकान। नाम तो कुछ और है सर, मैं यहाँ पे ब्लाउज स्टिच कराती हूँ। भैया हाय बोल दो, हाय बोल दो भैया, इधर देखो ना, हाय बोलो, हाय माल ला दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्लाउज वगैरह स्टिच कराती हूँ, काफ़ी अच्छा सिलते हैं। और इनका जो शॉप है वो चौक में है, तो चलिए मैं ब्लाउज वगैरह दे देती हूँ, जो भी करवाना है फटाफट करवा के यहाँ से। तो हम लोग चौक से निकल चुके हैं, फंस गए हम लोग ट्रैफिक में, काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैफिक है। तो मम्मी का फ़ोन आया था, घर पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो हम लोग को जल्दी से जल्दी पहुँचना है। पहुँच कर आपको मिलवाते हैं कुछ नए चेहरों से। सो गाइस, अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं और देखते हैं कौन सा गेस्ट आया है। बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, शादी एक ऐसा फंक्शन है घर का जिसमें पूरा परिवार एक साथ होता है। चलिए मैं मिलती हूँ, फिर आपको मिलवाती हूँ उस गेस्ट से। सो गाइस, इससे मिलिए, ये है अमन और ये है चंदौली से आया हुआ है, बनारस की तरफ पड़ता है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट है। तो ये मेरे मामी का लड़का है, हाय बोलो, हाय हाय। तो चलिए, हम लोग का काम मिला है देखने को कि क्या बन रहा है। हाय, टेंट तो लगा है, बनाने वाले नहीं दिख रहे। हाँ, टेंट लग चुका है, बनाने वाले नहीं दिख रहे हम लोग को, उनका वेट करेंगे, वो जब आएंगे तो हम लोग बताएंगे। तो आज घर का माहौल बहुत बहुत सुंदर है, सारे भाई आ रहे हैं एक एक करके, मम्मी की बहनें आ रही हैं, मेरी तो बहनें। गलत फहमी हो गई थी, फिर से हम लोग ऊपर जा रहे हैं और जो खाना बनाने वाले लोग हैं थोड़ा सा सीढ़ी के पास थे, हम लोग छत पे देख के चले आए, हमको दिखे ही नहीं। तो भाई ने कुछ तेज से मुझे डांट लगा, कहा जाके पहले अच्छे से देखो उसके बाद मुझे बता। तो चलिए पहले उनसे मिलते हैं। जिसे आपको चना, सो यहाँ पे बन रहा है खाना, जितने भी दिन शादी रहेगा ये दो भैया लोग हैं जो हम लोग को खाना खिलाएंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी व्यस्त रहेंगे, तो ये लोग दोनों लोग अच्छा अच्छा टेस्टी सा खाना बनाएंगे। सो भैया थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, इतना गुस्से में होकर खाना नहीं बनाते तो चलिए फिर चलते हैं, और जो जो भैया को चाहिए वो हम लोग पहले पापा से बता देते हैं कि क्या क्या कमी है, क्या क्या चाहिए ले आइए, नहीं तो फिर कल को दिक्कत हो जाएगी। ये मेरी दीदी की बेटी जो कोलकाता से आ जाई है, उसकी बेटी। तो गाइस यहाँ चल रही है मस्ती, ये है मौसी और ये है मामी और ये इनके दोनों बच्चे हैं, और ये हम लोगों का चेहरा तो पहले से ही देख रहे हैं, वहाँ पापा बैठे हुए। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, तब तक बाय बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।